नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं एमको न्यूज़। एक बार फिर मेरे संग मैं मोहम्मद शब्बीर। अभी मैं हूँ हावड़ा ब्रिज के ऊपर में। ये वो ब्रिज है जहाँ कलकत्ता पश्चिम बंगाल का एक ऐसा मोन्यूमेंट है हावड़ा ब्रिज, जो काफ़ी प्रसिद्ध है जानकारी के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ देर पहले का रिपोर्ट है IMD का, कलकत्ता वेदर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है कि कुछ देर पहले करीबन 2 बजे का रिपोर्ट आया था, करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा था। और अभी का जो रिपोर्ट आया है करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के तौर पर बढ़ रहा है। मगर ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ये कलकत्ता शहर में ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये चले जा रहा है झारखंड और उड़ीसा के तट पर। और ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी जो पानी का जो स्तर था वो अभी वो कम होता दिख रहा है, और हवा की भी जो बहाव थी वो हवा की जो रफ्तार है वो भी कम होती दिख रही है। और सबसे बड़ी बंगाल खाड़ी से होते हुए ये करीबन झारखंड उड़ीसा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ बढ़ रहा है। और 12 से 18 घंटे के अंदर में ये सिस्टम की तरफ से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इसका रफ्तार और भी कम हो जाएगा, और देखते हैं कि नेक्स्ट 24 घंटे में इसका क्या स्थिति या क्या परिस्थिति हो सकता है। और अभी की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो रफ्तार थी करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के तौर पे, ये अभी घटकर 80 से 90 आ गई है। और देख सकते हैं कि ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं हावड़ा नदी के ऊपर में, हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर में आपको ये पूरा दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पानी शांत है, हवा का बहाव कम हो चुका है, पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि लोग जो यहाँ पर जो डर रहे थे, ये जो लोग जो घबरा रहे थे यश के प्रकोप से, ये बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं हो रहा है। और इससे सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपको मैं और भी एक ऐसा लाइव अपडेट दूंगा कि जहां ये 100 किलोमीटर की रफ्तार में थी वो घटकर अभी 80-90 पर हो गई है। आपको पल पल का रिपोर्ट आपको मिलता रहेगा एमको न्यूज़ के एमको न्यूज़ चैनल से। बने रहे एमको न्यूज़ के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहे, सतर्क रहे, घर से तभी निकले जब ज़रूरत ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।